तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइड में यहाँ पर, तो यही वाला इन्विटेशन हम क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं मेरे इसी चैनल पर। एंड ऑलरेडी मेरे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं वेडिंग इन्विटेशन से रिलेटेड, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं लेकिन ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर क्लाइंट ने हमें कुछ इस तरह से उसका वेडिंग इनविटेशन सेंड किया था जिसमें पूरी डिटेल है। तो ये बताने का रीज़न है कि मैं जो बिगिनर है उनके हिसाब से बता रहा हूँ, जिनको आता है, जिनको पता है सिर्फ इनविटेशन बनाना सीखना, तो वो स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर है, जिनको कुछ नहीं आता, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इन्विटेशन हमारे पास में आया था, तो मैंने क्या किया यहाँ पर फंक्शन वाइज अरेंज कर लिया है पूरा किस तरह से हमें इस इनविटेशन को क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर स्लाइड यहाँ पर मिल जाती है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर नाम, फैमिली के नेम आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन है, तो ये एक फंक्शन हुआ। अब इसमें हमें फंक्शन डिवाइड करना है, अपने हिसाब से सीन बनाने हैं, क्योंकि फंक्शन तो डेट वाइज और टाइम वाइज रहते हैं, लेकिन काफ़ी जैसे अब यहाँ पर संगीत हुआ और ये तिलक भात जो हुआ ये एक ही दिन है, लेकिन हमें इन तीनों को एक साथ नहीं करना है, क्योंकि संगीत का जो डिज़ाइन बनेगा वो थोड़ा अलग रहेगा, तिलक भात का डिज़ाइन अलग रहेगा। तो इस तरह से हमें अपने हिसाब से डिवाइड करना रहता है इसमें कि किस तरह स्लाइड। क्लाइंट अगर बताता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि क्लाइंट ने बताया वैसा करेंगे तो ईजी रहता है, लेकिन यहाँ पर क्लाइंट अगर कुछ नहीं बताता, सिर्फ ऐसे कार्ड दे देता और बोलता आप अपने हिसाब से बना दीजिए, तो हमें थोड़ा यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर हल्दी, रिसेप्शन और ये तीनों फंक्शन जो है वो एक ही दिन है, एक ही तारीख के हैं, लेकिन हमें पता है कि हल्दी का फंक्शन एक अलग होता है, रिसेप्शन अलग होता है, घुड़चढ़ी अलग होता है, तो हमें इस हिसाब से इनकी तीन स्लाइड अलग अलग बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर ये वेन्यू है तो जो हम इधर लास्ट में लगा सकते हैं, बीच में हम गूगल से कुछ भी टेक्स्ट निकाल के डाल सकते हैं अपने हिसाब से जो हमें बेस्ट लगता है। तो अभी हम करते हैं इसके लिए रेडी। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बेसिक टेम्पलेट है जो मैंने, अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एक बेस के लिए लिया है, और कोई सी भी टेम्पलेट है आप गूगल पर फ्री में मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी टेम्पलेट है, तो वो बेसिक आप ले सकते हैं। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि इसमें इससे हमारा काम ईजी हो जाएगा, कि इसके हमें अंदर इसमें ट्रांजिशन हमें मिल जाएगा, एनिमेशन बेसिक थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, बाकी चीज़ को हम चेंज करेंगे, लेकिन इस तरह से हमें बेसिक यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, अगर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में ओपन नहीं हो रहा है तो मैं अलग से सेपरेटली आपको ये दे दूंगा। तो इस टेम्पलेट के ऊपर अभी हम वर्क करने वाले हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले जाता हूँ फाइल के अंदर, एंड यहाँ पर ये वाली फाइल है इसके अंदर जाता हूँ मैं, और यहाँ से इस नेम को हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल इन्विटेशन था तो उसे मैंने वर्टिकल किया है हमें, क्योंकि वर्टिकल में क्रिएट करना है, तो मैंने सारी चीज़ों को यहाँ से रोटेट कर दिया है। तो ये हाँ ठीक है, हमें थोड़ा तिरछा दिखेगा, ऐसे करके काम करना पड़ेगा, पर ठीक है हो जाएगा काम। तो यहाँ पे हम सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर लेकर आएंगे गणेश जी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो टेक्स्ट है इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर ये जो डिज़ाइन आ रही है इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर हम गणेश जी लेकर आते हैं, सिंपली गूगल पर हम सर्च कर लेंगे, ये गणेश जी की इमेज अच्छी लग रही है, हम ये वाली निकाल लेते हैं। मैं फोटोशॉप में जाकर यहाँ पर बैकग्राउंड इसका रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों अलग अलग लेयर्स पर कर लिए सेपरेट सेपरेट। इसे लेकर जाएंगे हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इसे कंपोजिशन एंड ओके। तो ये हमारी यहाँ पर इमेज आ चुकी है, इसे मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, और एस प्रेस करेंगे तो फुल, और रोटेट करेंगे हम यहाँ पर -90 ताकि ये सीधा हो जाए। तो यहाँ पर गणेश जी हमारे आ चुके हैं इस जगह पर, एंड अभी इसमें हम एनिमेशन देने के लिए करेंगे, इसके अंदर जाएंगे हमारे कंपोजिशन के, एंड ये जो हमारा बैक में जो डिज़ाइन है राउंड वाली, सिंपली यहाँ पर हम प्रेस करेंगे R एंड Alt के साथ स्टॉपवॉच पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे हम TIME टाइम इंटू 10 कर देते हैं, देखते हैं ये। तो ये स्पीड में हमारा यहाँ पर घूम रहा है, ठीक लग रहा है यहाँ पर। तो फाइनल में यहाँ पर देखते हैं हम कैसा दिख रहा है,
एंड इससे हम कर देंगे ये 3D, और 3D में करने के बाद जो हमने जो शेप हमारा यहाँ पर हाइड किया था इस जगह पर, इसी के साथ में इसे लिंक कर देंगे। इसको मैं करता हूँ हाइड, 3D करने के बाद ही ऑटोमेटिकली अपना यहाँ पर हो जाएगा। एंड यहाँ से मैं इस जगह पर करेंगे प्रेस T, जैसे यहाँ पर ये पूरा यहाँ तक आ रहा है, इस जगह पर फिर से T ओपेसिटी को हम एक की फ्रेम लगाएंगे, स्टार्टिंग में जाके यहाँ से इसे कर देंगे हम 0। यहाँ से ये देखिए इस तरह से ये गणेश जी हमारे आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इमेज को यहाँ से हम थोड़ा ब्लेंडिंग मोड इसका जो है उसे हम चेंज कर देंगे। हार्ड लाइट यहाँ पर ठीक लग रहा है, मैंने हार्ड लाइट कर दिया इसे। तो अभी इसके बाद हम आते हैं सेकंड लाइट पर, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे कपल का नाम, यहाँ पर कपल का नाम आ चुका है। एंड यहाँ से अब हम लेंगे यहाँ पर ग्रूम का फोटो, तो उसके लिए मैं जाऊँगा सिंपली इसके अंदर, यहाँ पर हम टेक्स्ट को चेंज कर देंगे विद द ग्रूम अंकित के। और यहाँ से हमारे पास ये को मैंने हाइड कर दिया, यहाँ से फ्रेम हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर हम जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पर हम लेकर आएंगे कैरिकेचर ग्रूम का। यहाँ से हमारा ग्रूम का फोटो आ गया और यहाँ पर मीट द ग्रूम लिखा हुआ है, यहाँ पर मीट द ब्राइट BRIDE, यहाँ पर हम ब्राइट का फोटोज यहाँ पर आ गया या कैरिकेचर बनाकर यहाँ पर लगा देंगे। तो कैरिकेचर कैसे बनाना है वो हम लास्ट में देखेंगे, फिलहाल हम अपना कंटेंट यहाँ पर अरेंज करके रख लेते हैं सब। यहाँ तक हमारा ये हो चुका है, इसके बाद वाली स्लाइड में अब यहाँ पर हमें ये सब की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लाइड 5 के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम हाइड कर देंगे गोल्डन फ्रेम को और जो पीछे का इमेज है इसे भी यहाँ से हाइड कर देंगे। यहाँ पर डाल देंगे कुछ टेक्स्ट, इसे हम लेकर आते हैं ऊपर, और यहाँ पर हमने जो फैमिली की बाकी डिटेल्स है वो यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर टेक्स्ट को हम अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे पूरा। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट तो जो था वो अरेंज हो चुका है इस तरह से, एंड मैंने इसमें फेड इन एनिमेशन डाल दिया है तो इस तरह दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से हमारी अगली स्लाइड चालू होगी इसके बाद, तो इसे हमें अपने अकॉर्डिंग रख लेना, जितनी देर इसको पढ़ने में लगे उतनी देर हम इसे रोक के रखेंगे। एंड उसके बाद यहाँ से हमारी नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो जाएगी ये वाली, और नेक्स्ट स्लाइड जो कि हमारी वो है भात और तिलक वाली। यहाँ पर ये वाली स्लाइड हम यहाँ पर ऐड करेंगे इस जगह पर, तो ये वाली स्लाइड में अभी मैं सब कुछ हाइड कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर हम एक कपल की इमेज लेकर आएंगे जो हमारा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमारे पास भात एंड तिलक वाला है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या इमेज है। तो यहाँ से ये वाली इमेज हम यूज़ करेंगे भात एंड तिलक के लिए। सिंपली मैं उठा के इसे करता हूँ ड्रैग, यहाँ पर जो मीडिया वाला सेक्शन है इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ रोटेट, और यहाँ से जो इमेज थी हमारी सब मीडिया के अंदर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर प्लेस कर देंगे, इसे रोटेट कर दूंगा मैं, स्केल कर लेंगे पूरा इसके अंदर, फिट हो जाएगा यहाँ पर। एंड इसे हम स्केल करेंगे इस जगह पर और यहाँ पर सेट कर लेंगे पर। यहाँ से अब हम देख लेते हैं टेक्स्ट जो हमने डाला पहले, जो इसमें डला हुआ था टेक्स्ट उसको देखेंगे। अब पर टेक्स्ट करेंगे हम चेंज, यहाँ पर जो टेक्स्ट है इस पर हम यहाँ पर ड्रॉप शेडो लगा देंगे ताकि थोड़ा डेप्थ मिल जाए। ये वाली स्लाइड भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, अभी देखते हैं इसे नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद हमारी जो है वो हम बनाएंगे यहाँ से संगीत की, यहाँ से जैसे नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये आ रही है इसके अंदर जाके मैं ये एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है इन सबको हटा दूंगा, अभी टेक्स्ट भी हम हाइड कर देते हैं। यहाँ पर हम संगीत वाला बैकग्राउंड रखेंगे कुछ अच्छा सा, यहाँ पर मेरे पास एक एनिमेटेड बैकग्राउंड है, मैं इसे यूज़ करूँगा यहाँ पर, मैं इसे ड्रैग करूँगा यहाँ पे जो हमारा मीडिया फुटेज है उसके अंदर, मैं यहाँ पे रखता हूँ इसे बैकग्राउंड म्यूजिक को हमारे, और इसे मैं करूँगा स्केल, ये हो जाएगा स्केल यहाँ पर, और इसे मैं कर दूँगा 3D, एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे मैं कर दूँगा यहाँ से चेंज। इसे हम करके देखते हैं ऐड नई ओवरलेयर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ऑफ लाइट कर देते हैं इसे तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, एंड इसे हम यहाँ से स्केल कर देंगे थोड़ा सा। तो ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है इस तरह से, एंड इसमें मैं क्या करूँगा यहाँ से इसे कर देंगे चेंज, और इस वाले पे हम लगा देंगे हमारे संगीत से रिलेटेड यहाँ पर हम कैरिकेचर डालेंगे। यहाँ पर आकर मैं जो हमारे संगीत वाले कपल है वो उठा के डालता हूँ यहाँ पर और संगीत की डिटेल्स हम डाल देंगे पूरी। यहाँ पर ये संगीत वाला स्लाइड भी हो चुका है पूरा, यहाँ पर मेरे पास एक डिस्को बॉल है मैं उसे भी यहाँ पर डाल देता हूँ। संगीत वाली स्लाइड भी हमारी यहाँ पर बन चुकी है,
एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है हल्दी वाली स्लाइड है, एंड उसके बाद यहाँ पर हल्दी वाली स्लाइड है हम यहाँ पर, तो हल्दी भी हमारा नेक्स्ट डे है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 फरवरी ट्यूसडे को। यहाँ पर हम फॉन्ट है इसे चेंज कर देंगे, इसका कलर ये है ट्यूसडे और ये है यहाँ पर 5th की जगह 6 फरवरी 2024 मंडे, मंडे को भी चेंज करके इसको करते हैं हम ट्यूसडे, एंड इसे यहाँ पर हम नाम देते हैं हल्दी। यहाँ पर ये हल्दी वाला भी स्लाइड आ चुका है, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है इसमें से हम बाद में चेंज कर लेंगे इसको हमारे अकॉर्डिंग, तो फिलहाल हल्दी वाला स्लाइड भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हल्दी के बाद हमारे पास यहाँ पर एक घुड़चड़ी एंड रिसेप्शन, दो स्लाइड और बच रही है हमारे पास यहाँ पर। घुड़चड़ी भी सेम डे पर है और टाइम इसका 5 बजे, तो हम क्या करेंगे यहाँ से अगली स्लाइड में जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे हल्दी वाला और ये, इन दोनों को हम कर लेंगे कॉपी ताकि नेक्स्ट स्लाइड में एज इट इज़ फॉन्ट भी मिल जाए हमें। और इस स्लाइड में जाकर हम यहाँ से इन टेक्स्ट को तो हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे नाम यहाँ से चेंज कर देंगे हम घुड़चड़ी, जो कलर है इसका हम चेंज कर लेंगे, इसको हम ले लेंगे यहाँ से ग्रीन कलर, इससे मैच हो जाएगा, अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ये डार्क कर लेते हैं। एंड ये वाला जो है इसका भी कलर नीचे टेक्स्ट का भी हम कलर चेंज करके, एंड सेम डे सब कुछ सेम है लेकिन टाइम चेंज है, तो इसका हम टाइम 5 PM कर लेते हैं यहाँ से। अब ये वाला जो हमारा सेक्शन है इसे हम यहाँ से चेंज करेंगे, दोनों को कर लेते हैं स्केल थोड़ा। अब यहाँ पर हम एक घोड़े वाली इमेज लेकर आते हैं, तो यहाँ हमारे पास ये घोड़े वाली इमेज है, इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ रोटेट 90 और ये हमारी इमेज यहाँ पर आ चुकी है। इस इमेज गोल्डन फ्रेम के नीचे रखता हूँ और यहाँ से हम इसे नीचे खसका लेते हैं इस तरह से। मीडिया को यहाँ से कर देता हूँ हाइड, हम इस इमेज को मीडिया के अंदर ही रखते हैं ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो सही तरीके से हो जाए। इसे हम यहाँ से करते हैं स्केल, यहाँ से आई थिंक घुड़चड़ी में सिर्फ ग्रूम की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ग्रूम को लगाते हैं। हमारे पास यहाँ पर इमेज आ चुकी है घुड़चड़ वाली और स्लाइड में यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है ये वाली। यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, इसका कलर जो है वो हम इससे मैचिंग वाले यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इससे हम हल्दी और ये वाले टेक्स्ट को भी थोड़ा चेंज करेंगे। ये ठीक लग रहा है यहाँ पर, हल्दी और कलर ठीक जा रहा है, तो ये हमारा हल्दी वाला स्लाइड भी कम्प्लीट है एंड घुड़चड़ी वाला स्लाइड भी यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। एंड ये लास्ट रिसेप्शन वाली है यहाँ पर, के बाद हम जाते हैं सीधा रिसेप्शन वाली स्लाइड पर। यहाँ पर जो ये रिसेप्शन वाले स्लाइड बना रहे हैं यहाँ पर जो ये फूल है इन्हें मैं यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और इसे यहाँ से हम कर देंगे रोटेट, तो ये यहाँ तक हमारा हो चुका है। लास्ट स्लाइड हमें यहाँ पर ऐड करनी है जो कि रिसेप्शन की है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ से मैं मीडिया 4 जो हम यूज़ नहीं कर रहे थे उसे लेके आऊँगा। एंड यहाँ पर हम जाएंगे स्लाइड के अंदर, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे मीडिया 4 वाली इमेज को, तो यहाँ पर हम इसकी जो विड्थ हाइट है उसे यहाँ पर बढ़ा लेंगे यहाँ से। यहाँ पर हम रिसेप्शन वाला हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। यहाँ पर ये हमारी लास्ट स्लाइड है जिस पर हमने यहाँ पर लेकर आते हैं हमारे जो रिसेप्शन वाले कैरिकेचर है वो, यहाँ पर हम एंड यहाँ पर वापस हम आएंगे और यहाँ पर हम हमारा टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो रिसेप्शन वाला टेक्स्ट है हमारा, रिसेप्शन यहाँ पर आ चुका है एंड उसकी हम डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। तो हमारा वेन्यू वाला भी यहाँ पर रिसेप्शन वाला स्लाइड यहाँ पर रेडी हो चुका है। फाइनली हमारा इन्विटेशन यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। एंड गाइज कैसा लगा आपको, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये टेम्पलेट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ जो भी कंटेंट इसको बनाने में यूज़ हुआ है, जो भी एलिमेंट इसे बनाने में यूज़ हुए हैं, उन सब की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। एंड गाइज अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बनता है और साथ ही साथ कमेंट भी करिए पसंद आया या नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो। एंड होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।